आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पीपुल्स पावर के राष्ट्र संरक्षक गौतम कृष्ण ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिषी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने महिषी विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात कई बार किए हैं और महिषी विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश की है। पूर्व में भी महिषी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रह चुके और इस बार फिर महिषी विधानसभा से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि महिषी विधानसभा क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं और उन्हीं समस्याओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के मैं पिछला विधानसभा भी चुनाव लड़ा था और इस बार भी उन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्या राजद से इस बार आपको टिकट मिलेगी, सूत्रों से पता चल रहा है, क्या सही है? बिल्कुल, मैंने माननीय प्रतिपक्ष नेता श्री तेजस्वी यादव जी से मिला हूँ, कई बार मिला हूँ और बेहतर आश्वासन मिला है वहाँ से। और मैंने अपनी दावेदारी इस आधार पे भी दिया है कि पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था और 25-26 हज़ार का जो मुझे वोट मिला, आशीर्वाद मिला इस क्षेत्र से, और जो जनताओं की एक आव हवा है, इन चीज़ों को देखने पर मैंने वहाँ अपना दावा रखा है। हम चूँकि माननीय पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री गफूर साहब जी अब रहे नहीं, तो इसलिए मैंने अपना दावा वहाँ दिया। क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह से क्या क्या लोगों की समस्या सामने आ रही है, क्या क्या? महिषी विधानसभा क्षेत्र कंप्लीट रूप से दो भाग में बंटा हुआ है। कोसी बांध के अंदर जो लगभग 14 और 15 पंचायत है, वहाँ की समस्या जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहाँ की समस्याएं जो है जनजीवन को सुधारने की है, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इन चीज़ों को लेकर के है। और जो बाहर महिषी विधानसभा के जो बाहर के क्षेत्र हैं उनकी समस्याएं अलग है। और यहाँ आज एम्स बनने वाली बात थी लेकिन आज वो भी हमसे दूर होता जा रहा है। मत्स्यगंधा झील की बात थी, वो भी अधर में लटका हुआ है। उसके बाद सत्तर कटिया प्रखंड भवन निर्माण आज 30 साल से भवन विहीन है, वो बात है। रेफरल हॉस्पिटल चंद्रायन नोहट्टा की आज 2500 साल से वह वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। कंदहा सूर्य मंदिर आज भी वह उपेक्षित पड़ा हुआ है, जबकि विश्व का सबसे पुराना मंदिर में से आता है जहां पर्यटन की बेहतर संभावनाएं थी। सीपेज के पानी से लोग वहां परेशान हैं, अंदर में बाढ़ के पानी से परेशान हैं। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम पे है, चाहे वो ब्लॉक हो, थाना हो, बिचौलियों का भरमार है, आम आदमी परेशान है। हॉस्पिटल में जहाँ एक भी दवा, मतलब बुखार लगे तब भी एक दवा नहीं मिली।